प्रदेश के मैनपुरी में शातिर दिमाग एक तांत्रिक द्वारा मकान मालकिन पर तंत्र विद्या के माध्यम से वशीकरण करने का मामला प्रकाश में आया है। तांत्रिक ने मकान मालकिन की मेहनत की कमाई को हड़प लिया है। लाखों की नकदी और सोने के चांदी के आभूषण लेकर किराएदार तांत्रिक परिवार सहित रात के सन्नाटे में मकान मालिक को गहरी नींद सोता छोड़ फरार हो गया। मकान मालिक के सिर से जब तंत्र विद्या का भूत उतरा तब तक उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। तंत्र विद्या से जुड़ा मामला नगर के आवास विकास कॉलोनी का है। इस कॉलोनी में सर्वेश कुमार दुबे का मकान है। वे पत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं। कुछ दिन पूर्व राजेश यादव नाम का तांत्रिक इनके मकान में किराएदार के रूप में आया था। तांत्रिक राजेश यादव के साथ उनकी पत्नी और दो बच्चे भी थे। सर्वेश दुबे की पत्नी नीलम दुबे ने बताया कि मकान में दो पोर्शन हैं। एक पोर्शन किराए पर सर्वेश यादव को दे दिया था। तांत्रिक सर्वेश यादव ने तंत्र क्रिया के माध्यम से पूरे परिवार को अपने वशीकरण में कर लिया। सर्वेश यादव ने तंत्र क्रिया के माध्यम से उनके कमरे में गहरा गड्ढा खोदकर तंत्र विद्या भी की थी। एक पोटली में सिंदूर बिंदी आदि सामान रखकर तंत्र क्रिया किया करता था। इसी तंत्र क्रिया के चलते उनके पूरे परिवार पर वशीकरण हो गया था। राजेश यादव व उनकी पत्नी जब भी हम लोगों से रुपए मांगते थे हम कभी भी मना नहीं कर पाते थे। यह सब वशीकरण के कारण ही होता था। इसी वशीकरण के चलते और तंत्र क्रिया के माध्यम से तांत्रिक घर से 7 लाख रुपए की नकदी सोने चांदी के आभूषण यह कहकर गया था कि मुझे एक शादी समारोह में जाना है, वापस आकर आपको जेवर और नकदी लौटा देंगे। पीड़ित गृह स्वामी ने आरोपी तांत्रिक के विरुद्ध लिखित तहरीर दी है। मैनपुर से संवाददाता गौरव पांडे की रिपोर्ट। यहाँ से लाखों रुपए की ठगी करके चला गया, कितने टाइम पे गया आपने? 3:15 बीच में कैसे, कौन सी गाड़ी थी, क्या कुछ देखा आपने, क्या देखा था आपने? व्हाइट गाड़ी पीछे थी और कालिया व्हाइट आगे थी, पीछे काली निकाली, इधर से निकली, इधर ही जेल से लो। क्या घटना हुई आपके साथ, क्या वारदात हुई? वो मेरे पीछे वाले मकान में एक कैंडिडेट आए तो किराए पे, उन्होंने कहा हमें मकान चाहिए, तो हमने मकान दिखा दिया। तो हमने भैया आप कहाँ रहते हो, तो बोले हम ध्यानपुर में रहते हैं, हमारा नाम राजेश यादव है। हमने कहा अच्छा, तो मकान दिखा दिया, उन्हें पसंद आया, बोले हम लोकल के हैं। एक दो और लोगों के परिचित के नाम बताए, हम भी लोकल के थे, तो हमने बोल दिया हम भी टोरा के। इस तरीके से वो यहाँ आए। आने के बाद फिर महीने दो महीने बाद उन्होंने तंत्र विद्या चालू कर दी। तंत्र विद्या के द्वारा मेरे से उन्होंने करीब 7-8 लाख रुपए और उनकी बीवी सारा जेवर लेके, और ये लोग रात में ही फरार हो गए। कितने दिन पहले आपके यहाँ आए थे रहने के लिए? ये जून में आए थे। तब से लेके लगातार आपसे पैसे लेते रहे? हाँ, इन्होंने दिसंबर से पैसे लेने चालू कर दिए थे मेरे से। आपको इस चीज का एहसास कब हुआ कि आपके ऊपर तंत्र विद्या हो गई है या ऐसा कुछ हो गया, कब आपको पता लगा? वो पैसे जब मैं देती रही और जेवर भी लेके वो चली, एक बार और मुझसे मांगा था, कहीं शादी में गई थी 25 तारीख को, कहीं शादी बताई, वापस मुझे दे दिया, तो भरोसा जता लिया। उसके बाद उन्होंने बताया मौसी की लड़की की शादी है, अटेंड में हमें पता नहीं चला, गांव कार्ड आ गया, तो सारा जेवर लेके फिर वो जब आई नहीं रात, मतलब सुबह मैंने देखा 8 बजे तो गेट बाहर गाड़ी नहीं थी, एक गाड़ी बाहर रहती थी एक अंदर रहती थी। फिर मैंने गेट खोल के देखा, फोन किया, फोन ऑफ जा रहा था, तो वो लोग पता लगा। फिर मैंने ताला तोड़वाया तो ये पता लगा कि वो लोग हैं नहीं, गायब हो गए वो लोग। ताला तोड़ने पे कुछ सामान नहीं था, वो अपना सारा सामान लेके रात में ही मोहल्ले के द्वारा पता लगा कि ये 3 बजे भाग गए रात के, उसकी बीवी मैक्सी में भागी। नहीं तो आपको इस चीज का पता कैसे लगा कि आपके ऊपर तंत्र विद्या की कोई ऐसी चीज आपको मिली है यहाँ पे क्या? हाँ, उसमें एक पन्नी थी, उसमें सिंदूर था, एक कुछ तावीज था और पता नहीं क्या क्या था, और दिमाग काम नहीं कर रहा था, उसमें कपड़े थे, बाल वाल थे, पूरा एक पैकेट सा था, जमीन भी खुदी पड़ी हुई थी, वहाँ पे सिंदूर फैला हुआ था। इस तरीके से हमें लगा और दिमाग काम नहीं कर रहा। जब से वो सब साफ सफाई वहां से हो गई फिर हमारे मतलब दिमाग काम कर, आप हमसे पूछो वो बताएंगे। इससे पहले अगर 10,000 रुपए भी मेरे पास होते थे मैं सारे उसे दे देती थी। मेरे पास एक बार 19,000 रुपए थे, मैंने 3-4 अपने लिए रखे, उसे 15,000 एक दे दिए। इस तरीके से मैंने टुकड़ों में भी उसे रुपए बहुत दिए। ठीक है, ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.